क्या आरोप है आपके परिवार का, इतिहास रहा है इधर? हाँ चल रहे, लेकिन मेरे परिवार के बारे में कोई कुछ कहेगा उसको बख्शेंगे नहीं। जबरन रुका गया सर क्या आपको? हम तो वही का पता करने के लिए जा रहे थे घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। बता दें कि आरजेडी के विधायक चेतन आनंद सत्ता पक्ष में आते ही सियासी हलचल तेज हो जाती है। आज बजट का दूसरा दिन है और बजट पेश होने से पहले चेतन आनंद जब विधानसभा पहुंचते हैं तो पत्रकार उनसे सवाल करते हैं, आखिर आपको क्यों कैद किया गया था, आपने सत्ता पक्ष में क्यों आया, आप क्यों आए हैं सत्ता पक्ष में? तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरीके से ठाकुर का कुआं पर बवाल हुआ था और वो अपमानजनक मुझे और मेरे पिताजी को किया गया था और बाकी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से कोई द्वेष नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी हाँ, आज भी उन्हें हम आदरणीय मानते हैं, उनसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं चेतन आनंद, पहले उनकी बातों को सुनिए। चेतन जी, क्या आपको जबरन रोका गया अंदर? जबरन हमारे चाचा है, उनसे हमारा कोई गिला शिकवा? अरे उनसे हमारा कोई गिला शिकवा? चेतन जी इधर इधर। चेतन जी क्या आपको? अच्छा, हम ऐसा जाने वाले लोग। आप चेतन जी, आप चेतन जी, चेतन जी इधर देखिए, चेतन जी था। सर चेतन जी, क्या बड़े पैसे यादव के आवास में जबरन रोका गया था? जब जब ठाकुर का कुआं हुआ था और आपको याद होगा कि पार्टी के कई एक चाटुकार लोग हम लोगों के अंदर गालियां दे रहे थे, छोटे छोटे और प्रोत्साहन दिया गया था उनको। हम लोगों के मेरे पिताजी को गाली दी गई, मुझे गाली दी गई, मेरा अपमान हुआ। आप ये सब भूल गए हैं क्या? ये तो प्रॉब्लम कब आई जब हम देखे कि जब ये पूरा कंफ्यूजन हुआ उस जो 10 तारीख को कंफ्यूजन हुआ और हमने ये बात रखी एक बार जाकर क्लियर करने दीजिए, मुझे अपने परिवार में जाकर के कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर करने दीजिए, उसके बाद हमको जबरन रोका गया सर क्या आपको? हम तो वही था पता करने के लिए जा रहे थे घर सर, जबरन रोका गया? उसी लिए तो जाना चाह रहे थे कि तो उसके बाद हमको रोका गया। जबरन रोका गया सर? क्या पुलिस ने आपको निकाली है वहाँ से? क्या लोग नहीं जाने देना चाहते थे? बाद में हम नहीं देखिए, हम उधर रिक्वेस्ट किए, बहुत देर तक रिक्वेस्ट कि हमको जाने दीजिए, हम जाते हैं परिवार भागने का, धोखा देने का। क्या आरोप है आपके परिवार का, इतिहास रहा है इधर? आचार्य, हम भाई वीरेंद्र जी को प्रणाम करते हैं, हमारे चाचा हैं, उनके बारे में हम, वो हमारे बारे में कुछ भी बोले हमको क्या है, हम तो उनके भतीजा ना है। हाँ, वो हमारे बारे में गलत बोले, सही बोले, जो बोले, जैसा बोले, हमको उससे फल, लेकिन मेरे परिवार के बारे में कोई कुछ कहेगा उसको बख्शेंगे नहीं। तो आपने साफ तौर पर सुना चेतन आनंद कहते नजर आते मेरा तेजस्वी यादव से कोई गिला शिकवा नहीं है, आज भी वो मेरे लिए आदरणीय हैं, बस ठाकुर की कुएं की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पिताजी और परिवार को इस तरीके से जलील किया गया था और बुरा लगा था, गाली दिया गया था, इसलिए हम अपनी स्वेच्छा से इधर आए, बाकी मुझे खरीदने की कोई कोशिश नहीं किया था। ये पूरे सफाई दे चुके हैं और साथ ही साथ जबरन कैद की बात पर भी उन्होंने नहीं कुछ बोला। जी हाँ, जबरन जो कैद करने की बात हुई थी, पुलिस मामला हुआ था उस पर भी उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कोई ऐसी बात नहीं थी, वो भाई मामला दर्ज करवाया था, ऐसा कोई बात नहीं था। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज, धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।